विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए 2 से अधिक सेक्टर ऑफिसर की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में 9 विधानसभा है जिसमें मतदान होगा तथा मतदान को सफल संपन्न कराने के लिए सभी विधानसभा में 3-3 स्टैटिक सर्विलांस टीम लगाई गई है व FST टीम लगाई गई है तथा वीडियो सर्विलांस टीम लगाई गई है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा को सेक्टर में विभाजित करके 2 से अधिक सेक्टर ऑफिसर लगाए गए हैं जो आचार संहिता का पालन करवाएंगे तथा मतदान बूथ MF की व्यवस्था सुनिश्चित करवाएंगे। उन्होंने कहा मतदान केंद्र पर नागरिकों के लिए कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है तथा सभी लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान करेंगे। उन्होंने कहा बूथ पर नागरिकों के लिए हैंड ग्लव्स व सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी जिससे कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस व उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह DPDO गोरखपुर हूँ और हमारे जनपद में 9 विधानसभाएं हैं। 9 विधानसभाओं के लिए जो भी आगे निर्वाचन है, मतदान होगा, वो शुचितापूर्ण हो, पारदर्शी हो और किसी भी प्रकार की कोई शिकायत की संभावना न रहे। इस हेतु जो मानक है उसके अनुसार हमारे जनपद में प्रत्येक विधानसभा में 3-3 स्टैटिक सर्विलांस टीम लगाई गई हैं, 3 FST लगाई गई है, वीडियो सर्विलांस टीम लगाई गई है, वीडियो व्यूविंग टीम लगाई गई है। इसके अतिरिक्त पूरी प्रत्येक विधानसभा को सेक्टर में विभाजित करके 2 से अधिक सेक्टर ऑफिसर्स लगाए गए हैं। इन सब का दायित्व तो यही है कि आचार संहिता का पालन होता रहे और जो हमारे मतदान बूथ हैं, जो हमारे मतदान केंद्र हैं, वहाँ पर AMF की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए। सर, जो लोग वोट देने आए उनके लिए क्या क्या व्यवस्था है? जो भी व्यक्ति मतदान केंद्र पर आएगा, मेरा तो अनुरोध है कि सभी व्यक्ति मतदान केंद्र पर वोट देने आए। आगामी 3 मार्च को गोरखपुर में मतदान होगा तो राज्य सरकार की ओर से, शासन की ओर से और निर्वाचन आयोग की ओर से स्पष्ट निर्देश है, कोविड नियमों का पालन होता रहे। हम लोग प्रत्येक मतदाता से ये अनुरोध कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि वे कोविड नियमों का पालन करें, मास्क लगातार पहने और जब वो हमारे केंद्र पर आएंगे तो उनको हैंड ग्लव्स दिया जाएगा, वहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी, वो अपना हाथ सैनिटाइज करके हैंड ग्लव्स पहन करके ही आगे मतदान का प्रयोग करेंगे। सर,